ध्यान रखनी योगी कुछ जरूरी बातें। नंबर एक, सुबह देर से उठने से दिमाग कमजोर होता है, शरीर आलसी होता है और इंसान हर वक्त थकावट महसूस करता है। नंबर दो, पपाया और मसूर की दाल का लीप लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं और चेहरे का सियापन दूर होता है। नंबर तीन, अगर आपको विटामिन और मिनरल की कमी हो तो अपनी डाइट में हरे पत्ते वाली सब्जियां इस्तेमाल करें, इसमें विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में होता है। नंबर चार, दालों को अपनी डाइट में रोज़ाना इस्तेमाल करने से विटामिन की कमी नहीं होती, आँखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर को एनर्जी मिलती है। नंबर पाँच, अलसी और सौंफ के पाउडर को अपने खाने में इस्तेमाल करने से कब्ज दूर होता है और भूख खुलती है। नंबर छः, अगर आपको तेज़ खांसी हो रही हो तो कुछ समय के लिए एक लौंग मुंह में रखकर चूसने से फौरन खांसी बंद होगी। नंबर सात, सब्जी काटते समय अगर आपका हाथ कट जाए तो फौरन इस पर हल्दी लगाने से खून आना बंद हो जाएगा। नंबर आठ, जो लोग अपने नाखून चबाते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं और घर में मुफलिसी आती है। नंबर नौ, चप्पल को कभी भी औंधा ना होने दे, इससे घर में रहने वाले लोगों में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। नंबर दस, बिला वजह हाथ में कैंची लेकर बजाने से घर में मुफलिसी और झगड़े होना शुरू होंगे। नंबर ग्यारह, अगर किसी को खून की कमी हो तो रोज़ाना बीटरूट और गाजर को दूध में मिलाकर इसका जूस पीने से खून की कमी दूर होगी। नंबर 12, बादाम और अखरोट को दूध में मिलाकर पीने से बच्चों का दिमाग तेज़ होता है और पढ़ाई में अव्वल होते हैं। नंबर 13, तुरई के छिलकों की सब्ज़ी बनाकर खाने से पेट की चर्बी दूर होती है और तुरई के छिलके में विटामिन अधिक मात्रा में होता है। नंबर 14, रोज़ाना नींद से उठते ही पहले तांबे के घड़े का पानी पीने से जिस्म में कैल्शियम आयरन मिलता है और इंसान बीमार नहीं होता। नंबर 15, अगर आपको फर्नीचर नया जैसा बनाना हो तो कपड़े पर थोड़ा सा गैस का तेल लगाकर फर्नीचर साफ करें, ऐसा करने से तमाम मैल धब्बे दूर हो जाएंगे और फर्नीचर नया जैसा दिखने लगेगा। नंबर 16, समोसे की पट्टी को जोड़ने के लिए मैदे या आटे का घोल इस्तेमाल करें, जिससे समोसे फूलेंगे नहीं और ना समोसे से मसाला बाहर आएगा। नंबर 17, जब भी आप टमाटर की चटनी बनाएं, पहले करियापाक और राई लहसुन से बघार लगाएं, ऐसा करने से चटनी मज़ेदार बनेगी और ज़्यादा समय तक ख़राब नहीं होगी। नंबर 18, अगर आपको बलगम बार बार आता हो तो रोज़ाना सुबह सवेरे अदरक का सेवन करने से बलगम आने की समस्या दूर होगी। नंबर 19, अगर किसी को इरखान हो तो गन्ने का जूस पीने से इरखान यूरिन के ज़रिए कम होगा। नंबर 20, आटा गूंदने समय नमक और दूध मिलाने से रोटी स्वादिष्ट और मुलायम बनेगी। नंबर 21, गोश्त गलाने के लिए पपाया के पेस्ट के अलावा दो दाने छालिया के गोश्त में डालने से गोश्त फौरन गल जाएगा। नंबर 22, रात के खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह साफ करके सोने से दांत में कीड़ नहीं लगता और ना कभी दांत में दर्द होगा। नंबर 23, टमाटर और पालक का एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से गुर्दे में पथरी होती है। नंबर 24, अगर नल का पानी साफ ना आता हो तो इसको साफ करने के लिए इसमें थोड़ी सी फिटकरी डालें, ऐसा करने से पानी साफ हो जाएगा। नंबर 25, गोश्त तलते समय इसमें करियापाक और हरी मिर्च के साथ कड़क करने से गोश्त में जायका बढ़ जाएगा। नंबर 26,
जब भी मशीन में आप शर्ट धोने डालें तो कॉलर में थोड़ा सा शैम्पू अप्लाई करने से करें। ऐसा करने से कॉलर का मैल निकल जाएगा और हाथ से लगड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। नंबर 27, लीमू का अचार बनाते समय इसमें थोड़ा सा गुड़ डालने से अचार स्वादिष्ट बनेगा और ज़्यादा समय तक ख़राब नहीं होगा। नंबर 28, अचार जब भी बनाए तो इसको कांच की बरनी में रखें और अचार हमेशा सरसों के तेल में बनाने से ज़्यादा समय तक ख़राब नहीं होगा। नंबर 29, आलू को फ्रिज में रखकर इस्तेमाल करने से कब्ज़ और एसिडिटी होती है। नंबर 30, रोज़ाना कच्चा टमाटर खाने से जिस्म में खून बढ़ता है और चेहरे पर खूबसूरती आती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम अपनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।